वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग 100%। तो आज स्टूडेंट में स्टैंडर्ड फर्स्ट का चैप्टर नंबर 10 लेकर आई हूँ, दैट इज़ फैमिली लव। ओके, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फैमिली लव के बारे में। यस, हमारे फैमिली में जो जो हमें प्यार करता है उससे रिलेटेड हम ये चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग चैप्टर नंबर 10। ओके, वी लीव विथ आर फैमिली। येस, हम अपने फैमिली यानी अपने परिवार के साथ रहते हैं। इन आर होम, येस, हम अपने घर में अपने परिवार के साथ रहते हैं। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि हाउस मीन्स सिर्फ एक घर होता है, पर जब उस घर में सारे फैमिलीज एक दूसरे की केयर करते हुए, लव करते और साथ में रहते हैं, तो उस वो घर हाउस जो है होम बन जाता है। ओके, तो उसे हम होम कहते हैं। फादर एंड मदर लव देयर चिल्ड्रन, जैसे कि मम्मी और पापा अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। चिल्ड्रन लव, ओबे एंड रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स, और बच्चे भी अपने पेरेंट्स से, अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, ओबे करते हैं, मींस उनकी बातें सुनते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। ओके, अपने पेरेंट्स की। वी फील हैप्पी एंड सेफ विद आवर पेरेंट्स, यस, हम अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ही हैप्पी फील करते हैं और सेफ भी, हैप्पी भी रहते हैं और सेफ भी फील करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ, मीन्स भाई बहन मम्मी पापा के साथ हम बहुत ही हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं और सेफ भी फील करते हैं। सोचिए, एक दिन के लिए अगर आपके मम्मी पापा घर पर ना हो, आपको अकेले रहना पड़े, तो आपको कैसा फील होगा? आप डरेंगे कि आपको सेफ फील होगा? नो। और हैप्पी रहेंगे? नो। तो यस, हमारे जो जो भी हमारे फैमिली मेम्बर है वो हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप भी उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनके साथ रहिए, हैप्पी रहिए, सेफ रहिए। ओके, चलिए। ईच मेम्बर ऑफ अ फैमिली हैज़ टू डू सर्टन थिंग्स सो दैट एवरी वन लीव्स कम्फर्टेबली। येस, क्या हर एक मेंबर जो, ईच मेंबर मीन्स हर एक मेंबर जो फैमिली का होता हैज़ टू सर्टन थिंग्स, वो कुछ ना कुछ चीज़ें करते हैं। ओके, कुछ ना कुछ तो करते हैं, सो दैट एवरी वन लीव्स कम्फर्टेबल, ताकि हर कोई कम्फर्टेबली रहे, राइट? जैसे कि अ फादर गोज़ टू वर्क टू अर्न मनी, हमारे पिताजी जो है, हमारे पापा, वो ऑफिस जाते हैं काम करने के लिए, ताकि वो पैसे कमाएं और उस पैसे से आपकी जो भी ज़रूरतें हैं उसको पूरी करें, आपको एक कम्फर्टेबल लाइफ दें, राइट? सो ये तो हो गया फादर का वर्क। समटाइम्स आवर मदर टू गोज़ टू वर्क लाइक द फादर, कभी कभी मम्मी भी पापा की तरह काम करती है, राइट? आजकल तो मम्मी पापा दोनों भी वर्क करते हैं, अर्न करते हैं मनी, पैसे कमाते हैं। ओके, आवर पेरेंट्स लुक आफ्टर अस, हमारे पेरेंट्स मीन्स मम्मी पापा हमारी देखभाल करते हैं, दे गिव अस लव एंड कम्फर्ट, हमें प्यार करते हैं, हमें बहुत ही अच्छे तरीके से रखते हैं। मदर कुक्स गुड फूड, मम्मी जो है अच्छा अच्छा खाना आपके लिए बनाती है। समटाइम्स ग्रैंड मदर हेल्प्स हर इन द कुकिंग, कभी कभी दादी माँ भी मम्मी की हेल्प करती है जब भी ज़रूरत होती है। अंकल एंड आंटी ऑल्सो टेक केयर ऑफ अस, हमारे जो चाचा चाची होते हैं वो भी हमारी देखभाल करते हैं। दे गिव अस टॉयज एंड प्ले विद अस, हमारे साथ खेलते हैं, हमें टॉयज भी ला के देते हैं। ओके, तो ये सब हमारे फैमिली मेम्बर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। जैसे कि ग्रैंड फादर, देखिए यहाँ पर दादाजी क्या कर रहे हैं, बच्चे के साथ खेल रहे हैं, राइट? तो कितना खुश है ये बच्चा, देखिए। हम फैमिली में रहते हैं तो ऐसे ही हैप्पी रहते हैं अपने दादा दादी के साथ। सो ग्रैंडफादर प्लेज विद अस, खेल रहे हैं। ग्रैंड मदर टेल अस स्टोरीज, यस, दादी माँ हमको स्टोरीज सुनाती हैं, कहानियाँ सुनाती हैं। आवर पेरेंट्स गिव्स अस गुड क्लोथ्स टू वेयर, अच्छे अच्छे कपड़े खरीद के हमारे पेरेंट्स हमें देते हैं, ताकि हम बहुत ही ब्यूटीफुल, अच्छे लगे, नीट एंड क्लीन, ओके, अच्छे लगे, स्मार्ट दिखें। दे गिव अस टॉयज गेम्स एंड अदर डेली नीड्स, जो भी ज़रूरत होती है हमें वो हमें ला के देते हैं। ओके, जो भी चीज़ें, गेम्स हो या टॉयज हो, जो भी हमें चाहिए होता है वो हमें ला कर देते हैं। दे टेक केयर ऑफ अस व्हेन वी आर सिक, जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारी केयर भी करते हैं। दे टेक अस टू पार्क्स, पिकनिक्स एंड मूवीज, यस, जब भी छुट्टी होती है पापा की, वो हमें पार्क लेकर जाते हैं, पिकनिक लेकर जाते हैं और कभी कभी मूवी दिखाने भी ले जाते हैं। आवर ग्रैंड पेरेंट्स टीचर्स गुड मैनर्स, हमारे दादी दादा हमें गुड मैनर्स सिखाते हैं। दे टेक केयर ऑफ अस व्हेन आवर पेरेंट्स आर नॉट एट होम, यस, कभी जब हमारे मम्मी पापा घर में नहीं होते तो हमारी देखभाल कौन करता है? हमारे ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स दादा या दादी करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये चैप्टर स्टूडेंट कंप्लीट होता है। चलिए अब पॉइंट्स टू रिमेम्बर क्या दिया है वो देख लेते हैं। कुछ पॉइंट्स दिया है याद रखना है जिसे आपको, ओके, तो यहाँ पर क्या पॉइंट्स हैं चलिए देख लेते हैं। फादर एंड मदर
गिव लव एंड कम्फर्ट टू देयर चिल्ड्रन। तो इस चैप्टर से आपने क्या सीखा? इस चैप्टर से हमने सीखा कि जो हमारे पापा और मम्मी हैं वो हमें प्यार करते हैं, हमें कम्फर्ट लाइफ देते हैं, बच्चों को जो भी उनकी ज़रूरतें होती हैं वो उसे पूरा करते हैं। चिल्ड्रन लव एंड ऑबे देयर पेरेंट्स टू, और उसके बदले में बच्चे भी उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और उनको रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार देते हैं। ओके तो यहाँ पे ये जो है चैप्टर से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे वो कंप्लीट हुए। चलिए अब इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। आपको कुछ स्टेटमेंट दिया है, अब वो सही है या गलत वो आपको बताना है। अगर सही है तो ट्रू लिखना है, गलत है तो फॉल्स लिखना है। चलिए रीड करते हैं। अ पेरेंट्स टेक केयर ऑफ अस, हमारे मम्मी पापा हमारी देखभाल करते हैं। यस ट्रू, सही है। वी वेयर क्लीन यूनिफॉर्म टू स्कूल, हम स्कूल में साफ सुथरे यूनिफॉर्म अपने पहन के जाते हैं। यस ट्रू। मदर डज नॉट बाय अस टॉय, क्या मम्मी हमारे लिए खिलौने कभी नहीं खरीदती है? फॉल्स, खरीदती है। ग्रैंड मदर टेल स्टोरी, दादी माँ हमें कहानियाँ सुनाती है। ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2 है क्रॉस आउट द रॉन्ग वर्ड्स। ओके यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हैं, उससे रिलेटेड आपको दो ऑप्शंस दिए हैं, तो कौन सा ऑप्शंस करेक्ट है उसे आपको कुछ नहीं करना है, बट जो रॉन्ग है उसे आपको क्रॉस आउट करना है। ओके तो देखिए, वी आर अ डैश फैमिली, वी आर अ हैप्पी फैमिली और सैड फैमिली। यस सभी चाहते हैं हमारी फैमिली हैप्पी हो, सो हैप्पी, सैड कट। आवर पेरेंट्स गिव्स अस टॉयज फूड टू ईट, क्या खाते हैं हम? टॉयज खाते हैं या फूड? टॉयज मीन्स खिलौने, क्या हम खिलौने खाते हैं? नो, फूड खाना खाते हैं। अंकल मदर कुक्स आ फूड, हमारे लिए खाना कौन बनाता है? हमारी मम्मी बनाती हैं, सो मदर इज राइट, अंकल इज क्रॉस आउट। मदर गिव्स अस प्लेंटी ऑफ लव और पेंसिल्स, मम्मी हमें बहुत बहुत ज़्यादा क्या देती है? पेंसिल या प्यार करती है? तो यस ऑब्वियसली बहुत बहुत सारी पेंसिल्स क्या करेंगे, तो लव करती है, बहुत प्यार करती है आपको, सो पेंसिल्स कट। ओके तो यहाँ पे बस बहुत ही थोड़े से ट्रू फॉल्स और जो हमारा ये क्रॉस आउट है, बहुत ही ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा एक्सरसाइज था। तो ये कंप्लीट होता है, बहुत ही ईजी चैप्टर है। प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटी कुछ दिया है, चलिए देखते हैं क्या है। ड्रॉ और स्टिक अ पिक्चर ऑफ योर फैमिली, आपको यहाँ पे आपके फैमिली की फ़ोटो लगानी, लाइक आपकी फैमिली में कौन कौन है। आपके पापा हैं तो यहाँ पे फादर की पिक्चर, मम्मी है तो मदर की पिक्चर, आप हो तो मी माई या फिर माई सेल्फ और अपनी पिक्चर, भाई ब्रदर है तो उसकी पिक्चर, सिस्टर है तो उसकी पिक्चर, ओके या ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो उनकी भी पिक्चर आप यहाँ पे स्टिक कर सकते हैं। बट यहाँ पे मदर फादर और जितनी स्पेस में मदर फादर और आपकी फोटोज़ आराम से आ जाइए, तो आपको स्टिक करना है यहाँ पे। तो इसी के साथ साथ हमारा ये जो चैप्टर नंबर 10 है फैमिली लव कंप्लीट होता है स्टूडेंट। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है, क्वेश्चंस भी समझ में आ गए हैं, आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा ये चैप्टर रीड करके। आई होप आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट भी करेंगे। सो यहाँ पे जो ये चैप्टर वो कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।